नमस्कार। लोकसभा चुनाव पर हमारे विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज हम बात करेंगे ग्वालियर, गुना और सागर लोकसभा क्षेत्र की। जानेंगे इन क्षेत्रों में जनता के मुद्दे, बात करेंगे वहां की समस्याओं की, देखेंगे क्या है सियासी गणित। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा की जा रही तैयारियों पर भी डालेंगे नजर। ग्वालियर, गुना और सागर में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इन सीटों में प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। यहां 12 मई को वोट डाले जाएंगे। आइए संघ की शुरुआत करते हैं ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से। ग्वालियर सीट पर इन दिनों प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद कल 8 मई को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहां रैली करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद भाजपा के लिए सियासी गणित गड़बड़ा गया है और ये सीट बचाना चुनौती बन गई है। पेश एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट को राज्य के सबसे प्रभावशाली संसदीय क्षेत्र में से एक माना जाता है। इस सीट से देश के कई दिग्गज नेता सांसद रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया और माधव राव सिंधिया जैसे दिग्गज इस सीट से जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। ग्वालियर की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो यहाँ पर किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। इस सीट पर 4 बार बीजेपी को जीत मिली, 2 बार जनसंघ को तो 8 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। हालांकि इस सीट पर हाल के चुनावों में कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई है और पिछले 3 चुनावों में यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार निर्वाचित रहे हैं। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के अशोक सिंह को 29,699 वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं बसपा 6.88% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थी। इससे पहले 2009 के चुनाव में भाजपा की यशोधरा राजे सिंधिया यहां से चुनाव जीती थी। उन्होंने कांग्रेस के अशोक सिंह को 26,591 वोटों से हराया था। वहीं बसपा 13.09% वोटों के साथ इस बार भी तीसरे स्थान पर रही थी। ग्वालियर लोकसभा सीट के लिए चुनाव मैदान में 18 प्रत्याशियों में से 3 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के, 10 पंजीकृत राजनीतिक दलों के और शेष 5 निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लिए मुख्य मुकाबला इंडियन नेशनल कांग्रेस के अशोक सिंह और भारतीय जनता पार्टी के विवेक नारायण शिजवलकर के बीच माना जा रहा है। यहां बहुजन समाज पार्टी से ममता बलवीर सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट से अशोक सिंह चौथी बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ये सीट जीतने में कामयाबी नहीं मिली है। जबकि ग्वालियर के वर्तमान महापौर विवेक नारायण शिजवलकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ग्वालियर से मैं नवीन श्रीवास्तव। ग्वालियर सीट पर राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय मुद्दे हावी दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बात की हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव ने। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से गंगाराम गया। अपने ये ग्वालियर में बेरोजगारी की समस्या बहुत है। ये सरकार ऐसी आनी चाहिए कि नई नई कंपनियां फैक्ट्रियां लगाएं, जिससे नए नए लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो ग्वालियर से। और ग्वालियर में पानी की भी बहुत समस्या है, बिजली की भी समस्या है। पानी एक एक दिन छोड़ के आता है, किसी दिन तो पानी ही नहीं आता। सरकार ऐसी चाहते हैं कि वो ग्वालियर के हित के लिए काम करे। मेरा विकास नाम है और समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन उन पर अमल कम होता है क्योंकि सरकार बदल जाती है, काम नहीं हो पाते हैं। अब जैसे रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बेरोजगारी की है, बहुत समस्याएं हैं। पानी की जो है पाइपलाइन खोद देते हैं, उसके बाद पाइपलाइन पूरी कंप्लीट नहीं होती है, गंदा पानी आता है, लोग बीमार पड़ते हैं। सरकार कोई सी भी हो, लेकिन सरकार अच्छी बने, अच्छा आदमी आए, अच्छा विकास हो, हम तो ये चाहते हैं बस। मीना यादव, ग्वालियर के मेन मुद्दे क्या है? थोड़ा मतलब ये रोड है सही होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए। पानी की समस्या मैं 15 साल से ऐसी देख रही हूँ, पानी कभी स्वच्छ आता ही नहीं है।
एक दो दिन आ गए तो उससे कोई मतलब नहीं है। पानी का सबसे मेन है, पानी के कारण बहुत सारी बीमारी पैदा होती है। पीलिया इतनी जल्दी बढ़ता है लोगों को, कुछ पूछो मत। सरकार होनी चाहिए एकदम निष्पक्ष, कोई भी सरकार बने। मैं बीरेन सिंह यादव ग्वालियर का रहने वाला हूँ। सरकार किसी भी प्रकार की हो, ऐसी सरकार होना चाहिए जो सिटी के लिए, शहर के लिए विकास करे। जैसे समस्या है अभी पानी की समस्या, बहुत गंदा पानी आता है, इसकी अभी तक कोई वो नहीं हुई उसकी। और रोड वगैरह की भी समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है, उसका भी कोई विकास नहीं हुआ। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियों पर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने आकाशवाणी से बातचीत की और युवाओं और आमजन से मतदान अवश्य रूप से करने की अपील भी की। टोटल आल 8 विधानसभा क्षेत्रों से ग्वालियर संसदीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र और शिवपुरी जिले के करेरापुरी 2 विधानसभा क्षेत्र शामिल होते हैं। 12 मई को यहाँ पे वोटिंग है। MLB में पूरा हमारे स्ट्रांग रूम भी है। MLB में हमारी मतगणना का प्रोसेस भी, काउंटिंग प्रोसेस रहेगा। पिछली बार हमारा वोटिंग परसेंटेज था वो 51% था लोकसभा निर्वाचन में। विधानसभा निर्वाचन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ के 64% हो गया। ऑल इंडिया रेडियो के से माध्यम से सभी श्रोताओं के संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग वोट डालने आए। और पिछली बार महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया विधानसभा में, दिव्यांगजनों ने किया। कोशिश करेंगे दिव्यांगजन और जो महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, उनको ज़्यादा समय लाइन में ना रहना पड़े। इतनी व्यवस्थाओं के उपरांत हम मतदान, आपका कर्तव्य भी है, आपका अधिकार भी है। अगर आप मतदान केंद्र में निकल के वोट डालते हैं तो इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। सभी लोग निकल के वोट करें और लोकतंत्र का महात्यौहार अब पूरा देश के साथ अब सेलिब्रेट करें। आप सुन रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार। कार्यक्रम में बात गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की। प्रदेश की गुना सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। यहां सिंधिया परिवार का वर्चस्व है। इस बार कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला भाजपा के KP सिंह से है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश की गुना सीट कांग्रेस के लिए बेहद खास है क्योंकि यहां सिंधिया परिवार का वर्चस्व रहा है। इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है। पिछले 4 बार से इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया ही जीत दर्ज करते आए हैं। वे पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद वर्ष 2002 में पहली बार गुना सीट से सांसद चुने गए थे। इस बार उनके सामने भाजपा के KP यादव हैं। वैसे तो यहां पर 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। इस संसदीय सीट के तहत 3 जिलों गुना, अशोकनगर और शिवपुरी की 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 5 पर कांग्रेस तो 3 पर भाजपा का कब्जा है। लोकसभा निर्वाचन के इस महापर्व में निष्पक्ष, निर्बाध और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिले में स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आपका वोट आपकी सरकार के लिए गुना से रोहित गोस्वामी के साथ, शिवपुरी से मैं रंजीत गुप्ता। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में लोगों की क्या समस्याएं हैं और क्या मुद्दे हैं, लोगों से जाना हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता ने। मेरा नाम संजीव भार्गव है, मैं शिवपुरी जिले का निवासी हूं। हम चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हों जो हमारी मूलभूत समस्याओं का निदान कर सकें। हमारे शिवपुरी जिले की सबसे मूलभूत समस्या है पहली पानी की, दूसरी बेरोजगारी। यहाँ पर कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है जिससे कि यहाँ के लोग पलायन करने से रुक सकें। और दूसरा पानी, पिछले 25 वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर सिंध का पानी आने वाला है, जिसमें कुछ संभावना अभी जागृत हुई है परंतु वह भी पूर्ण नहीं हो पाई है। हम विकास शर्मा है, मैं शिवपुरी जिले का निवासी हूँ और यहाँ का वोटर हूँ। यहाँ की मुख्य समस्या है, एक तो बेरोजगारी है, दूसरा पानी की समस्या है। आप देखेंगे कि यहाँ पर रात दिन भर लोग वाक कट्टियाँ लेकर और पानी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। और दूसरी मुख्य समस्या यहाँ की है बेरोजगार। और शिक्षा तो के क्षेत्र में भी यहाँ का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के नवयुवक पलायन कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों की तरफ। जिला कलेक्टर ने आकाशवाणी के जरिए लोगों से मतदान की अपील की। गुना संसदीय क्षेत्र क्रमांक 4 है। इसमें कुल 16,70,000 मतदाता हैं। इसमें 8 विधानसभा आती है, शिवपुरी, कोलारस, पिछोर, भमोरी, गुना, अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली। इन सभी में हम सारे कलेक्टर्स बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं।
हमने स्वीप में जो है सभी मतदाताओं को जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम करा रहे हैं। इसमें खासतौर पर हमारा ये उद्देश्य है इस बार महिला मतदाता ज़्यादा आके वोट करें और युवा मतदाता के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम। वो 12 मई 2019 को अपने मतदान केंद्र जाएं और अपना मताधिकार को प्रयोग करें। आप सुन रहे हैं आम चुनाव पर हमारा विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार। आपका वोट आपकी सरकार में अब बात सागर लोकसभा क्षेत्र की। प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के मुख्यालय यानी सागर लोकसभा सीट सदा चर्चा में रही है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल की मुख्यालय वाली सागर सीट पिछले 6 चुनाव पर नजर डालें तो लगातार यहां से भाजपा जीत रही है। पहले यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। यहां से सन 1996 से 2009 तक वर्तमान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चुनाव जीते रहे हैं। नए परिसीमन में आरक्षण खत्म होने के बाद यहां से भूपेंद्र सिंह सांसद चुने गए। पिछले चुनाव में भाजपा के लक्ष्मीनारायण यादव ने कांग्रेस के गोविंद राजपूत को करीब 1.25 लाख वोटों से हराकर चुनाव जीता था। सागर लोकसभा सीट में सागर जिले की 5 सीटें बीना, खुरई, नरयावली, सागर और सुर्खी सीट, वहीं विदिशा जिले की शमसाबाद, सरोंज और कुरबाई विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 15,82,267 मतदाता अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। इनमें 8,36,143 पुरुष, 7,37,321 महिला और 34 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। सागर लोकसभा सीट में 2,051 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सागर सीट पर 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें कांग्रेस की तरफ से प्रभु सिंह ठाकुर और भाजपा की तरफ से राज बहादुर सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। सागर से मैं विनोद आर्य। सागर में मूलतः कोई बड़ा उद्योग नहीं है। जिले के बीना में बीना रिफाइनरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मुख्य रूप से कृषि और मजदूरी करते हैं, लेकिन शहर में बड़ी संख्या में लोग बीड़ी और अगरबत्ती बनाने का काम भी करते हैं। लोगों का आरोप है कि सागर के औद्योगिक विकास के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। जानते हैं और क्या हैं यहाँ के लोगों के मुद्दे। सर, ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे जो हमारे देश के लिए कुछ कर सके और हम लोग के लिए भी कुछ कर सके, क्योंकि रोजगार के लिए हम लोग इधर उधर पढ़ाई करके तो हम लोग पढ़ जाते हैं, ग्रेजुएट के लिए कुछ भी रोजगार करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं लागू करें जो हम लोग के काम आ सके। क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा पटेल। सिक्स सेमेस्टर बी ए छात्र कम्युनिस्ट प्रजापति हूँ मैं। मेरी सूची है कि पहले तो हमारे लिए बेरोजगार होना चाहिए, बेरोजगार देना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि हमारे दोस्तों के बारे में बहुत लोग भी हैं ऐसे बेरोजगार फिर रहे हैं। हमारे यहाँ सांसद ऐसा होना चाहिए, खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए कॉलेज वगैरह में। मैं जाकिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सागर से को बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 50 साल से सागर में यहाँ रह रहा हूँ। सागर में जो अहम मुद्दे हैं वो हैं, सबसे पहले तो यहाँ का जो रोड है वो सही तरीके से नहीं है। रोड में सिर्फ गड्ढे के अलावा कुछ नहीं है। दूसरा जो रोजगार है वो सागर में रोजगार के नाम से कुछ भी नहीं है। आपका वोट आपकी सरकार के संक में हमने ग्वालियर, गुना और सागर लोकसभा सीटों के बारे में बात की। अगले अंक में हम भोपाल, विदिशा और राजगढ़ सीट के मुद्दे और समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।